जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करी ऐसा लगा कि उसमें आग लग गई है। दोस्तों मैं विनीत राठी, राठी ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है कि मैं पुणे जा रहा हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आप सभी इसे इंजॉय कीजिए और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब आप भूलें। और अभी हम चलते हैं, अभी मैं एयरपोर्ट के लिए रेडी हो गया हूँ। ये मेरा लगेज है, एक बैग मैंने पूरा पैक कर लिया है और उसके बाद मैं अभी एयरपोर्ट पे जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आगे का फुल एंजॉय कराता हूं आपको, एयरपोर्ट दिखाता हूं और बाकी जगह घुमाता हूं। मैं अभी गाड़ी से जा रहा हूं, गाड़ी में अकुल के घर पे खड़ी करूंगा और वहां से फिर हम टैक्सी पकड़ेंगे। दोस्तों अपनी मैंने गाड़ी तो अकुल के घर खड़ी कर दी थी, वहां से हमने करी टैक्सी और घर से एयरपोर्ट का लगभग 1.5 घंटे का सफर मैंने तय किया। भाई हम पहुंच गए एयरपोर्ट पर, तो फ्लाइट गड़ 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 कर दी है, देखो भीड़ बहुत है। अभी गेट पर खड़े हैं चेकिंग के लिए। भाई ये रहा मेरा आधार कार्ड, आधार कार्ड दिखाना पड़ता है यहाँ पर, जो टिकट है वो दिखाना पड़ेगा। घुस गए भैया अंदर, सामने घुसते ही हाथी दिखाई दिया। ओहो बढ़िया, गर्म गर्म सा हो रहा है, मज़ा आ रहा है पूरा। भाई अंदर तो आ गए हैं, हाथ में मेरे लगेज है और तो हमारी फ्लाइट जो है विस्तारा है और बी काउंटर है दिखाते। ये देखो दोस्तों, ये अभी आप बोर्डिंग पास हम ले अपना एंट्री कराएंगे और विस्तारा है सामने, वहाँ लगेज देंगे, लगेज देने के बाद में सीधा अंदर पहुँचेंगे। और भाई हमने मैडम को भी चेक करा दिया टिकट, बोर्डिंग के लिए हमने चेकिंग करा दी है, गेट नंबर 54 बताया, वहाँ जा रहे हैं। भाई यहाँ हो रही है चेकिंग, हो गई भी है चेकिंग यहाँ पर। ले दी यहाँ से मैंने बकेट, एक ट्रे में एक बैग रखना है और इस तरह रख के यहाँ चेकिंग होंगे। भाई सेपरेट उस बैग के लिए, सेपरेट सेपरेट उसके लिए। भाई चेकिंग के टाइम पे ना तो कोई आपका लेदर का सामान होना चाहिए, पर्स नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, सब एक अलग से ट्रे में रखवा देते हैं ये। भाई अंदर आ गए अब और यहाँ देखो कितना बढ़िया बेहतरीन मौसम हो रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, चारों तरफ चांदनी चांदनी, नई नई चीज़ें दिख रही हैं, अच्छे अच्छे शोरूम हैं यहाँ, यूनाइटेड कलर ऑफ वेंटन, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ऊपर जाएंगे दिल्ली आर्ट में, ये थे। हेलो गाइज, ये देखो गाइस, गाइस में पहुंच गए भाई, ग्रेट, कैसे हैं सर, वेलकम। हेलो गाइस, हावी हेलो हबीबी, भैया टीका के लगा के बैठा है। इसे भाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से पकड़ो यार जरा यार, ठीक है, अलग-अलग ब्लॉगर अलग-अलग पोस्ट। भाई दिल्ली एयरपोर्ट वाकई में ही वर्ल्ड क्लास है, काफी साफ सुथरा और काफी बड़ा भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्केलेटर भी दे रखे हैं ताकि लोग यहाँ पर सामान रख के और खुद भी पैदल ना चलना पड़े। उधर से आए थे हम भाई सामने से, वहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी थी टर्मिनल 3 के सामने, अब हम जस्ट इसके अपोजिट में आ गए। कल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे एयरपोर्ट एयरपोर्ट नहीं रहा, रेलवे स्टेशन हो गया, क्योंकि इतनी भीड़ रहने लगी आजकल बहुत ज़्यादा। विस्तारा इसी फ्लाइट में हम जाएंगे, कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताएं। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए थे फ्लाइट में। उल्टा चला, हाँ उल्टा चला गया, लेके जाएगा सर, उल्टा चला गया। लेकिन मैंने तो पढ़ा था उल्टा तो रिवर्स गियर होता नहीं इसमें, हमेशा लगवाया करता मैकेनिकल वाले ने लगवाया यार ये जब लगा। दोस्तों अब टाइम आ गया आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाने का, जो भाई साहब दिखा रहे हैं कर करके, वैसे ही बहन जी भी कुछ बोल रही है, उसकी बातों पर ध्यान दें और बिल्कुल सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए जो जो संदेश ये दे रहे हैं उसको प्रॉपर पालन करना चाहिए। अभी ये देखिए कभी मास्क लगाना बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, तो सारी चीज़ें हर फ्लाइट के अंदर बताया जाता है ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपको बचाया जा सके। भाई अब धीरे धीरे हमारी फ्लाइट खूब आवाज़ करते हुए स्टार्ट हो गई और भाई जब ये काफ़ी देर तक दौड़ता रहा जब थक गया तब जाके ये एरोप्लेन उड़ा है और ये देखिए अभी इसने टेक ऑफ कर लिया है। और भाई ये टेक ऑफ करते ही बड़ा मज़ा सा आया, एकदम से ऐसा लगा जैसे झूले में जा रहे हैं और ये देखो ऊपर से क्या बढ़िया नज़ारा है, एकदम काफ़ी सारी फ्लाइटें दिख रही है, पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है। जब फ्लाइट हमारी ऊपर गई तो काफ़ी धुंध दिख रही थी नीचे से, लेकिन नज़ारा एकदम ज़बरदस्त था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऊपर से सारे छोटे छोटे लोग दिख रहे थे बिल्कुल। दोस्तों अब टाइम आ गया था पूरी दुनिया दिखाने का, अब मैं आपको दिखाता हूँ, फोटोग्राफी दिखाऊंगा यहाँ से, कितना बढ़िया बढ़िया मैंने फ़ोटोज़ और वीडियो बनाई है,
जिसमें कि सूरज बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि प्लेन के पास में आया हुआ है। चारों तरफ लाल कलर की एक लेयर और वाइट, और नीचे पूरा धुंधला, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल आगे से चलने वाला है। तो क्योंकि सूरज ढलने का टाइम था, शाम को जो हम सनसेट देखने जाते हैं पहाड़ों में, वो सारा नज़ारा हमने ना एयरप्लेन में बैठे हुए देख लिया था। आप देख सकते हैं खिड़की से एक ही एकदम बेहद ही खूबसूरत नज़ारा था बाहर का, सब लोग खिड़की पर लगे हुए थे देखने के लिए। और फिर उसके बाद में सनसेट का इतनी बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला, ऐसा लगा जैसे समुद्र में सनसेट हो रहा है और चारों तरफ ऐसा लगा जैसे एयरप्लेन चल गया है, और कहीं ब्लू कलर की लाइट थी, कहीं कुछ थी। फिर उसके बाद अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप देख सकते हैं इसमें प्लेन दिख रहा है पूरा कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर हमने खाना लिया, उसमें हमें मिला छोले कुलचे, हमने खाए, और ऐसी वीडियो बनाते हुए फिर दोबारा टर्न आ गया था हमारी चाय का। हमने चाय पी और खूब इंजॉय करते हुए बात करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हमारी 6-7 सीटें बराबर बराबर थी। उसके बाद अब टाइम आ गया था फ्लाइट की लैंडिंग का, और रात का नज़ारा तो बहुत ही अद्भुत था। चारों तरफ लाइट जल रही थी और छोटी छोटी लाइटें दिख रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोटी छोटी दिख रही थी। काफ़ी देर तक जद्दोजहद करते हुए आखिरकार हमारा एयरप्लेन उतर गया है, लैंड कर दिया था पुणे के अंदर। जब आपकी फ्लाइट लैंड करती है तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाती है सीढ़ियों को लगाने के लिए, जहाँ से लोग नीचे उतर कर जाते हैं, और हम भी फिर धीरे धीरे नीचे उतरे। यहाँ से हमने अपना बैग उठाया, क्योंकि आपकी जो भी लगेज होता है वो आपको एयरपोर्ट के बाहर मिलता है जहाँ से आप एग्जिट करते हैं, और मेरा भी बैग बस आ गया। भाई इस भाई का बैग खो गया। सब ने अपना अपना सामान उठाया और एग्जिट गेट से बाहर निकल गए। आ गए हम प्लेन से नीचे और अब जा रहे हैं पुणे। हमने वहाँ पर होटल बुक किया है लेमन ट्री, और ये देखो ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से बाहर आ गए, अभी यहाँ से टैक्सी में जाएंगे। भाई इसमें चढ़ गए हैं। तो भाई यहाँ देख लो पंखे चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ठंड में आए हैं, जर्सी पहन पहन के बेचारे। भाई साहब ने तो पूरा जर्सी का बैग भर रखा है देखो। परफेक्ट प्लानिंग। कैसे? इसीलिए तेरे को यही छोड़ के जाएंगे। तू पैदल आया था क्या? एक मिनट देख, हेलो इधर देख, इसे देख के देहाती लग रहा है, इसे देख के देहाती लग रहा है। एयरपोर्ट के बाहर ही आपको ओला या उबर मिल जाएगी, और कहीं भी आपको लोकल तो आप काउंटर पर जाकर या फिर ऑनलाइन भी बुक कर। काफ़ी देर वेट करने के बाद में आखिरकार हमारी गाड़ी आ गई थी। गर्मी बहुत है यार, जैकेट निकालनी पड़ी। देखो, और गाड़ी में बैठने के बाद लगभग 8-10 किलोमीटर चलते ही हमारा होटल आ गया था लेमन ट्री, बहुत ही शानदार। और तो आज का यह व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम कल मिलेंगे, और मैं आपको पूरे पुणे के दर्शन कराऊंगा। धन्यवाद।